नमस्कार, आपका स्वागत है योर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर पे फ्रेम लगाना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन करके क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे किया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने फेसबुक ट्यूटोरियल्स के लिए ही बनाई हुई है। यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करके दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोफाइल इमेज आप देख सकते हैं। तो इसके साइड में मैं एक फ्रेम लगाना चाहता हूँ अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई। तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फ्रेम को क्रिएट करते हैं और फेसबुक की इस प्रोफाइल पिक्चर पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रेम बनाने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग वेबसाइट को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना ब्राउज़र पे google.com पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे फोटोर। तो ये लिंक खुल जाएगा, photor.com नाम की वेबसाइट है। तो यहाँ पे पहला ही लिंक है, यहाँ पे लिखा है फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर। इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसका आपका होम पेज दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं इस वेबसाइट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये एक फ्री फ़ोटो एडिटिंग वेबसाइट है। तो यहाँ आप बिना अकाउंट क्रिएट करे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे डिज़ाइन का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा और इस पेज में हमने सेलेक्ट करना है अपना कस्टम साइज़। तो यहाँ पे मैं 400x400 का साइज़ सेलेक्ट करूँगा और ये पिक्सल में होगा। उसके बाद अप्लाई में क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये ऐसा एक पेज दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए होता है। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल बताते हैं कि क्या क्या बटन क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, अलग अलग बटन्स हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये फंक्शनैलिटी के बारे में पता है, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। स्किप ऑल ट्यूटोरियल्स पे मैंने क्लिक कर दिया है तो वो हाइड हो गया है। और अब उसके अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स खुल रखा है, इसको भी मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटर में 400x400 पिक्सल का हमारा एक ब्लैंक क्रिएट हो गया है डिज़ाइन। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे मर्ज़ी इसको एडिट कर सकते हैं और अपना फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बैकग्राउंड का, उस पर जा कर के क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से मैं अलग अलग कलर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इन कलर्स पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज होता रहता है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और आपको बैकग्राउंड की ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगी, अलग अलग डिज़ाइन दिखाई दे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये चेंज होता रहता है। तो जो यहाँ से आपको पसंद आता है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड के लिए डिज़ाइंस हैं अलग अलग, तो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ अलग अलग डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें इसके अंदर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स वगैरह डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड में आएंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टिकर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के स्टिकर्स दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पे बेसिक शेप्स वाला है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिखाई देंगी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर और अलग अलग बहुत सारी शेप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आपको कोई शेप अच्छी लगती है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ये वाली शेप को सेलेक्ट करता हूँ।
इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेंटर में दिखाई दे जाएगा। इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे माउस के साथ, और मैं इसको कॉर्नर पे ले जाके लगा देता हूँ फ्रेम की साइड में। अब ऐसे ही मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको चाहे तो हम रिरोटेट भी कर सकते हैं, ऊपर बटन बना हुआ है ये हाथ वाला साइन बना आ जाएगा, इसको आप क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और इसको ऊपर लगा देता हूँ कॉर्नर पे। इसको दोबारा से रोटेट करना पड़ेगा और इसको साइड में मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगती है। अब मैं यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं बड़ा या छोटा है जैसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप साइड में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज की एलिमेंट्स इमेजेस वगैरह देख पाएंगे। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे समर फन नाम का कैटेगरी है उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अलग अलग इमेजेस दिखाई दे जाएंगी। अब कोई भी इमेज मेरे को यूज़ करनी है उस पर मेरे को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर दिखाई दे जाती है और उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं यहाँ पर, और उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो अगर दोस्तों आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट का की को प्रेस कर देंगे तो डिलीट भी हो जाता है। तो यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट करके जैसा मर्जी इसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रिसमस विशेज़ का भी एक कैटेगरी दिया है, इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस विश के लिए इन्होंने बना रखा है स्टिकर, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे, इसको ऐसे हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कोई भी इमेज लगा के आपको एक कंप्लीट करके इसको दिखा देता हूँ फ्रेम को। तो जैसा कि मेरे को ये वाली इमेज ठीक लग रही है तो मैं इसको लगाऊंगा, इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से, और रोटेट करके इसको कोने में लगा देता हूँ। ऐसे ही मैं इस इमेज को भी यहाँ पे लगा देता हूँ, क्लिक करके इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेट करके साइड में से लगा देता हूँ। इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब आप अपने यहाँ पे इमेजेस वगैरह आर्ट वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऐड हेडिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी आपने टाइप करना है। तो दोस्तों अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट का आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं ऊपर से सेलेक्ट करके। तो यहाँ से अलग अलग फॉन्ट हैं आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने का यहाँ पे देखेंगे तो उसको चेंज हो चुका है। और अब चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से 48 सेलेक्ट कर देता हूँ, साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा, इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो ये साइड में एलिमेंट मैंने लगा रखे हैं इन सबके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसका भी मैं कलर चेंज करके देखता हूँ। तो ये साइड से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये फ्रेम अब रेडी हो चुका है। अब इसको हम सेव करेंगे अपने कंप्यूटर पे, तो ऊपर एक ऑप्शन बना हुआ है सेव का, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फ्रेम को नाम देना पड़ेगा, मैं नाम दे देता हूँ फ्रेम 1।
उसके बाद यहाँ से फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से PNG सेलेक्ट करना होगा हमें, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन ज़रूरी है, इसको टिक करना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को और PNG को। उसके बाद हम क्वालिटी को नॉर्मल पे ही रखेंगे। उसके बाद ये डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से नॉर्मल क्वालिटी पे ही क्लिक करना, क्योंकि अगर आप हाई भी कर दोगे तो हाई वाला सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जिन्होंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है, रजिस्टर हो रखे हैं जो। तो हम लोग रजिस्टर नहीं किया है, हमने अकाउंट नहीं बनाया है, हम लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ नॉर्मल ही यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मल ही यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद डाउनलोड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं साइड में डाउनलोड स्टार्ट हो गया है वो, और वो फाइल हमारे कंप्यूटर पे आ चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है, इस पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी फाइल है फ्रेम वाली, जो अब ऐसी दिखाई दे रही है। अब इसको मैं आपको फेसबुक पे लगा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब हमने दोबारा google.com पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है आई सपोर्ट कॉज। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला लिंक दिखाई देगा, आई सपोर्ट कॉज डॉट कॉम, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, न्यू यूज़र रजिस्टर के लिए बटन दिया गया है। ईमेल और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और उसके अलावा आपको, अगर आप ईमेल और पासवर्ड के थ्रू नहीं लॉगिन करना चाहते, तो फेसबुक के साथ भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक के साथ डायरेक्टली लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो क्लिक करने के बाद ये मेरे को फेसबुक की वेबसाइट पे ले करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को अपना ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख देता हूँ, कैंपेन वन रख देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, अबाउट दिस कैंपेन को भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी में मैं कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की जा सकती है यहाँ से, जो भी कैटेगरी आपने फ्रेम बनाई है जिस भी कैटेगरी की, मैं अदर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी जो फ्रेम बनाई थी, हमने ट्रांसपेरेंट इमेज जो बनाई थी, उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को फ़ाइल की लोकेशन बतानी होगी, डाउनलोड्स में पड़ी है वो फ़ाइल। तो ये वो फ़ाइल पड़ी है यहाँ पे, frame1.png, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। तो ये अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ओवरले ट्रांसपेरेंसी, इसको हम 0 से 10 के बीच में कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी नीचे, आइकन ऑफ कैंपेन, तो यहाँ से आप आइकन ऑफ कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा अभी, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है। उसके बाद अगर आप हैशटैग ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं चेकबॉक्स पर क्लिक करके, बट मैं इसको भी नहीं करना चाहता तो मैं इसको नहीं करूँगा। उसके बाद हमने क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन पे। जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो ये कैंपेन वन नाम का फ्रेम है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हम उसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं इसने मेरे फेसबुक की प्रोफाइल की इमेज वहाँ से उठा ली है, और यहाँ पे हमारा जो फ्रेम ऊपर इसने लगा के हमें अभी दिखा रहा है ये। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जनरेट प्रोफाइल पिक्चर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरेट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करेगा। तो दोस्तों क्रिएट हो जाती है प्रोफाइल की पिक्चर। उसके बाद हमें उसको शेयर करना होता है, यहाँ पे शेयर का बटन दिया है, शेयर ऑन फेसबुक, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है मेक प्रोफाइल पिक्चर, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ पे हमें कंफर्म ऊपर बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये मेरे को मोबाइल वर्जन ऑफ फेसबुक पे लेकर के आ गया है। मैं इसको अपने कंप्यूटर पे देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको दोबारा से फेसबुक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल इमेज जो चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड में हमने जो फ्रेम बनाया था वो लग गया है यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन पे भी शेयर हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।